हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने अनोखी पहल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत भोरंज के माता मंदिर वादेवी से की है। लोगों को उनके घर द्वार तक सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी व कई प्रकार के टेस्ट भी किए जाएंगे। बता दें कि अनुराग ठाकुर की इस मुहिम से एक बैंक को मोबाइल मेडिकल यूनिट में बदलकर उसे चलता फिरता अस्पताल बना दिया गया है। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में न सिर्फ विभिन्न रोगों की जांच होगी बल्कि मौके पर ही उसका इलाज भी होगा। अनुराग के इस चलते फिरते अस्पताल में 40 से भी ज्यादा बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध होगी। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट से न केवल सिर्फ कई रोगों की जांच होगी बल्कि जांच के बाद रोगियों के उसके विशेषज्ञ डॉक्टर से कनेक्ट भी किया जाएगा। अनुराग ठाकुर के इस अस्पताल मुहिम की सबसे खास बात यह है कि इसमें रोगी अस्पताल नहीं जाएगा बल्कि अस्पताल खुद चलकर रोगी के पास आएगा। ये मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा लोगों के घर द्वार तक मौजूद होगी जिससे अनेकों अस्पताल और जांच सेंटर तक पहुंचने वाले खर्च की बचत होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए अनुराग की यह एक अच्छी पहल है। इस चलते फिरते अस्पताल का सबसे ज्यादा फायदा दिहाड़ी मजदूरी दलित बुजुर्गों महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मिलेगा जिन्हें घर से दूर अस्पताल तक पहुंचने में चक्कर से दिहाड़ी गंवानी पड़ती है। ऐसे में अनुराग ठाकुर के प्रयासों को देखते हुए तो यही लगता है कि खुद को नेता नहीं बल्कि बेटा मानने वाले अनुराग ठाकुर इस मोबाइल मेडिकल यूनिट से हर घर द्वार अस्पताल पहुंचाकर स्वस्थ हिमाचल की नई इमारत लिखने जा रहे हैं। सेवा, दवाई, डॉक्टर, उपचार, अस्पताल, घर के द्वार, ये प्रयास किया गया है मेरे द्वारा और प्रयास सोसाइटी के द्वारा कि हम अस्पताल की सुविधा यानी कि उनकी जांच करने का, उपचार करने का काम अपने संसदीय क्षेत्र में शुरू करें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर और बैसाखी के शुभ अवसर पर हमने योजना लॉन्च की है। ये पूरे देश में अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। अंबेडकर जी की जयंती पर मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के तीनों अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व क्षेत्र हैं चिंतपूर्णी, झंडूता और भोरंज, इनके लिए गाड़ी आज लॉन्च कर दी है। तीनों को एक एक गाड़ी मिल जाएगी, हर पंचायत में ये जाएगी और वहां पर 40 तरह की बीमारियों की मुफ्त जांच की जाएगी जिसका प्राइवेट बड़े अस्पतालों में लगभग 5 से 7 हजार रुपए का खर्चा आता है। हम बिल्कुल मुफ्त अगले 6 महीने तक इसको करके दे रहे हैं।